हाय दोस्तों, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सैमसंग J76 का जो है FRP किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था सैमसंग J7 के बारे में कि उसका FRP किस तरह से अनलॉक किया जाता है। तो दोस्तों इस मोबाइल में मैं आपको बता दूं कि इसका जो तरीका अलग है, क्योंकि हर सैमसंग का जो नया मोबाइल आता है, नए मॉडल आता है, और सबका जो तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से इसका FRP अनलॉक किया जाता है। दोस्तों इस मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए आपको जो है इसमें जो है तीन प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले आपको इसमें जो है कॉम्बिनेशन फाइल से आपको इस मोबाइल को फ्लैश करना होगा। उसके बाद इस मोबाइल का जो है फैक्ट्री जो है आपको रीसेट करना होगा, और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद फिर भी जो है इसका FRP अनलॉक नहीं हो पाता, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी जो और कॉम्बिनेशन फाइल जो है इसमें फ्लैशिंग करने के बाद भी जो है फिर भी इसका FRP अनलॉक नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसका FRP अनलॉक किया जाता है। और तीसरे नंबर में इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो FRP रीसेट है, टूल है, उसमें जाकर के आपको इसका FRP रीसेट करना होगा। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और करके दिखाने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग क्रैक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रैक फाइल में जो है इसका FRP अनलॉक नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास बॉक्स है, Z3X बॉक्स है आपके पास, तो आप इसका जो FRP अनलॉक कर सकते हैं। चाहे वो मेडिकल क्रैक हो, चाहे वो Z3X बॉक्स का क्रैक हो, चाहे वो अलादीन क्रैक हो, किसी भी कंपनी का अगर जो है बॉक्स का जो अगर क्रैक फाइल है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रैक फाइल में जो है पुराने मोबाइल को ही आप रिपेयर कर सकते हैं, नए मोबाइल को आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप मान के चलिए Z3X बॉक्स खरीद लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं Z3X बॉक्स में जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करने का जो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी ने, बहुत ही बेहतर दिया हुआ है, क्योंकि आपको किसी भी सैमसंग मोबाइल का जो फ्लैश फाइल आपको किसी भी वेबसाइट पर आपको खोजने की जरूरत नहीं है। उसमें आप आसानी से उस बॉक्स के सेल सेटअप से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका रूट फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं उस बॉक्स के जरिए से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस मोबाइल में जो FRP लॉक लगा हुआ है, और इसमें जो FRP लॉक यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पे स्किप का जो ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसका FRP अनलॉक करेंगे अपने इस Z3X बॉक्स से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे अगली वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों बता दूं मैं आपको कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होता है, और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है घंटे टाइप का, अगर उस घंटे को अगर आप दबाएंगे, उससे क्या होगा कि जब भी हम अपने वीडियो को अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगी और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल का FRP अनलॉक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मोबाइल को आपको ऑन कर देना है, आपको ऑफ नहीं करना है मोबाइल को। उसके बाद इस मोबाइल को जो है डाउनलोडिंग मोड पर लेके जाना है, तो डाउनलोडिंग मोड पर आपको हाथ से ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जब अपना Z3X बॉक्स को ओपन करेंगे, तो उसमें ऑप्शन होता है डाउनलोडिंग मोड पर ले जाने के लिए मोबाइल को, आप वहां से जो है मोबाइल को ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना जो मॉडल नंबर है उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपने Z3X बॉक्स के टूल में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले PDF पे क्लिक करके हम अपने कॉम्बिनेशन फाइल को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस टूल में जो कॉम्बिनेशन फाइल हमने डाउनलोड की है, उस फाइल को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सारे फाइल से आपको फ्लैश नहीं करना है, यहाँ पे सभी का जो चेक आपको हटा देना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बूट इमेज सिर्फ इसी फाइल से ही आपको फ्लैश करना है, बाकी फाइल से आपको फ्लैशिंग नहीं करना है। और यहाँ पे जब आप फ्लैश करेंगे, तो यहाँ पे कम्प्लीट जो है फ्लैशिंग डन लिखनी चाहिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर ले जाने के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल ऑन है हमारा, उसके बाद हम डाउनलोडिंग मोड पर ले जाने के लिए सबसे पहले अपने डाटा केबल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे, और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद डाटा केबल को हम यहाँ पे रिबूट फ्लैश पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो ओके लिखेगा, तो इसका मतलब होता है कि हमारा मोबाइल जो डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रिबूट फ्लैश पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो है मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पे नहीं जा रहा है,
और यहाँ पे ओके नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो इसका डाटा केबल हम निकाल कर दोबारा हम फिर से लगाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोबारा हमने रिबूट पर क्लिक किया तो यहाँ पे ओके लिखा, उसके बाद हमारा मोबाइल अभी अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, उसके बाद जो है ये मोबाइल हमारा ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो डाउनलोडिंग मोड पर चला गया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पे फ्लैश कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमारा यहाँ फ्लैशिंग कंप्लीट हुआ तो हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो गया, रिस्टार्ट होकर हमारा मोबाइल जो ऑन हो रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हमें अपने अनलॉक टूल पर आना है, उसके बाद हमें FRP नीचे में जो आप देख रहे हैं रिसेट FRP यहाँ पे हमें क्लिक करना है, FRP अनलॉक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे उससे पहले हमें यहाँ पे ADB पोर्ट सेलेक्ट करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ADB पोर्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ADB का जो पोर्ट है डायरेक्ट कोड है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ ये डायरेक्ट कोड जो यहाँ पे शो नहीं करेगा, इससे डायरेक्ट कोड को शो करने के लिए हमें आपको करना क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस मोबाइल को जो हमें बैटरी निकालना है, दोबारा इस मोबाइल को हमें जो है रिकवरी मोड पर लेके जाना है, ठीक है। वॉल्यूम पावर की और वॉल्यूम माइनस और होम की एक साथ में प्रेस करना है और इस मोबाइल को हमें जो है रिकवरी मोड में लेके जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो रिकवरी मोड में आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है स्क्रीन पे हमें टच करना है एक बार, और जैसे हम स्क्रीन पे टच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो है फैक्ट्री डाटा को जो रिसेट कर देना है, ठीक है, फैक्ट्री डाटा को रिसेट कर देना है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो फैक्ट्री डाटा को रीसेट कर दिया, उसके बाद हमारा मोबाइल जो रिबूट पे आया था, उसके बाद हमने मोबाइल को रिबूट कर दिया, उसके बाद हमारा मोबाइल जो ऑन हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप मान के चलिए कॉम्बिनेशन फाइल से जो फ्लैश कर देंगे मोबाइल को, उसके बाद फैक्ट्री डिसेट कर देंगे, फिर भी आपका FRP अनलॉक नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो FRP अभी तक अनलॉक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों मैं आपको अभी लास्ट में बताने वाला हूँ कि इस तरह से इसका FRP अनलॉक करना है। वापस फिर से हम इस मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है ऑन हालत में, उसके बाद हमें इसका जो ADB पोर्ट है यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ADB डायरेक्ट कोड है वो यहाँ पे आ चुका है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या है कि सबसे नीचे में हमें रिसेट FRP पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो FRP जो है रिसेट हो चुका है, और लेकिन हमारा फोन जो है रिबूट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमारे फोन में यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है स्किप का, आपको मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल में जो है स्किप का जो ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, ठीक है, नेक्स्ट करने पर, तो यहाँ पे इस मोबाइल में जो है स्किप का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्किप का ऑप्शन आ चुका है, चलिए स्किप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस को आगे करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है अनलॉक हो चुका है, इसका जो FRP लॉक है वो अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।